हाँ जी, सभी को शुभ प्रभात, राम राम। आज है 28 मई, तो सुबह सुबह अपन एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये बोर्ड पे दिख रहा है, इतना प्यारा और खूबसूरत आलिशान जो क्या है अपना, तो नया संसद भवन है, इसका आज क्या है लोकार्पण हो रहा है। पूरी इसके बारे में क्या चीज़ है, क्या कुछ है, पुराने जो वर्तमान संसद भवन है और इसमें क्या डिफरेंस है, कितना बड़ा है, क्या ज़रूरत पड़ी कि भी नया बनाना पड़ गया, तो इस पूरी डिटेल के बारे में अपन है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ है वो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये 10 या 15 मिनट का होगा, क्योंकि अपने को ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी कि जो इसमें ऊपर ऊपर लेनी है कि जो कैसा है इसकी शेयर करते हैं अपन, और वो कहीं जहां आप बैठे हो, घर पे बैठे हो या कहीं रूम पे बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, गार्डन में अगर वॉक कर रहे हो तो अपन सुबह सुबह है वो क्या कर लेते हैं, नई विधानसभा के सॉरी नई संसद भवन के बारे में है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत और आलिशान है, जो आज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो इसका क्या किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। अब देखो, लोकार्पण किया जाएगा तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि भी अब इसका लोकार्पण किया जाएगा तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। कब रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, और 2020 को ये रखी गई थी, और टोटल अब ये बनकर तैयार हो गया है तो इसमें पूरा समय कितना लगा है, तो 21 महीने लगे हैं, ठीक है ना। लगभग मान के चलो 2 साल है आपको लग गए हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो इतना खूबसूरत दिख रहा है ना आपको, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका जो डिजाइन करता है ना वो कौन है। तो देखो, इसके बारे में ये जो इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है ना, तो ये विमल पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और बहुत शानदार वो क्या है आर्किटेक्चर है उनके द्वारा है ये क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब देखो, अपन कंपैरिजन करते हैं पुराने और अब वाले में। जो पुराने मतलब, एक तो अब देखो आपको बता दूं, जो वर्तमान है जो अभी संसद भवन है, तो उसके लिए मैं वर्तमान शब्द यूज करूंगा, और जो अभी लोकार्पण हो रहा है उसके लिए नया शब्द यूज करूंगा, तो ठीक है ना। जो क्योंकि अभी अपन वर्तमान नाम लेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी अपन चल रहा है, जो कह सकते हैं कि जो पुराना वाला हो उसका वर्तमान के रूप में जाना जाएगा, और ये नया वाला है। अब देखो, जो वर्तमान वाला है ना, तो उसका जो वास्तुकार है ना वो कौन था, तो उसका वास्तुकार है वो एडविन लुटियंस था। कौन था, एडविन लुटियंस है वो। अब जो वर्तमान है जो एकदम गोल है उसका क्या है, वास्तुकार था, और इसका विमल पटेल है, ठीक है। ये अपन मैंने नॉर्मली सरसरी नजरों से है वो बता दी, देख लो कितना आलिशान और खूबसूरत तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लिए। ये आपको मैंने आपके सामने है पूरी की पूरी शेयर कराने के लिए, पूरी इमेज है वो कलेक्शन करके है वो रख दिया है, ताकि आपको घर बैठे भी ये लगे कि हाँ हमने है वो घर बैठे है पूरे संसद भवन को देख लिया है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। ये क्या है, ये पुरानी की जो विधानसभा है ना जो अभी चल रही है, तो ये पुरानी वाली विधानसभा है, जिसमें देखो ये ऐसे तीन थे जो क्या थे, बीच में एक गुंबद टाइप का था और ये तीन गोल थे। अब इसमें जो क्या कर दिया, इसमें देखो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया इस वाली के अंदर, ठीक है। ये नई वाली है, ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है, ठीक है ना। नई संसद के आर्किटेक्चर और बिल्डिंग का मैंने आपको बता ही दिया कौन है भी, तो वो आपको मैंने पहले से ही बता दिया है, ठीक है। अब अपन और चर्चा करते हैं कि इसके बारे में कि कौन क्या क्या है, इसके बारे में और देखते हैं। तो ये देखो, मैंने लिख रखा है पहले से ही कि नया संसद भवन है वो गोल की बजाय क्या है, तिकोना है, ठीक है। अब अपन और डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कुछ है। अब अपन इसके बारे में पूरी, ये अखबार की कटिंग है तो ये अखबार की लेके आए हैं, क्योंकि अपन अगर कोई गलती हो तो सीधे सीधे किस पे थोप दे, अखबार पे थोप दे, ठीक है। तो ये
वर्तमान संसद भवन, देख लो ये नाम यूज कर रखा है ना, वर्तमान संसद भवन नाम यूज कर रखा है, जो क्या है गोल है, पूरी की पूरी क्या है गोल है। और ये देखो आप देखते रहे ना, आप समझते रहे ना, आपको ये दिखेंगे नहीं मैं बता दूंगा, ये जो है ना इतना, ये क्या है लोकसभा है। अब इसमें लोकसभा कैसा है, तो इसमें देखो ऐसा है लोकसभा, ये ऐसे ये पूरा लोकसभा है, ये अगर आपने अखबार पढ़ा है तो अखबार में कटिंग मिल जाएगी, ये लोकसभा है। और सेंट्रल हॉल ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहां पर, यहां सेंट्रल हॉल है, इसमें सेंट्रल हॉल कहां था, यहां पर था, ठीक है ना। अब देखो ये संविधान सभा बैठेगी, ठीक है ना। अब देखो आपने को ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं देखने की, प्रत्येक सीट के बारे में अपन देखने लग जाएं। ये है राज्यसभा, राज्यसभा कहां है, तो ये देखो ये है पूरी की पूरी राज्यसभा, इसमें क्या है राज्यसभा, ये रही राज्यसभा, ये देखो सेम लगभग डिटो है, वो सेम ही है, ज्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो नई वाली में, और इनमें तो कुछ डिफरेंस था ही नहीं, देख लो, ठीक है ना। अब ये सेंट्रल लॉन्च है, जो पुरानी वाली में था इसमें ये दे दिया, ठीक है ना। अब देख रहे हो, अब देखो किस तरह से तैयार हुआ है, जो ये पुराना वाला है ना, सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं, इसका इतिहास देखते हैं कि ऐसे तैयार हुआ कि वर्तमान संसद भवन, देखो 12 फरवरी 1921 को है वो संसद भवन की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, और जो नया बन रहा है इसकी नींव कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, ठीक है। अब अपन कंपैरिजन करके पढ़ना है, 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का क्या किया था, उद्घाटन किया था, किसने, लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। अब उद्घाटन कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अब देखो उस समय है वो 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, तो अब है वो कितने लाखों में तो बात आएगी नहीं, अब है वो करोड़ों में खर्च होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्या होगा, अपडेट होगा भी, उस टाइम जितनी सुविधाएं नहीं थी वो उससे ज्यादा है, अब सुविधाएं दी जाएगी, तो अब है वो 971 करोड़ की लागत के साथ है वो तैयार हुआ है, ठीक है। 6 साल का समय लगा था उसमें, 6 साल का समय लगा था ना, तो अब वाली में कितना समय लगा है, मात्र और मात्र 21 महीने, कितना 21 महीने, आप समझ लेना, और 6 एकड़ में फैला हुआ है ये लगभग 9 के। अब देखो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, अब देखो पुराने जो वर्तमान है ना, वर्तमान जो अभी चल रहा है उसमें 552 सीट थी, ठीक है ना, 552 सीट है, और क्षेत्रफल है 1145 का क्षेत्रफल, इसमें सीटें की व्यवस्था कितनी है, 888 मतलब 888 लोकसभा की सीटें हैं। अब देखो राज्यसभा की इसमें 245 है, तो इसमें 384 सीटें हैं, मतलब इतनी कैपेसिटी है, इसमें 384 है नए वाले के अंदर, जो वर्तमान है उसके अंदर 245 है, क्षेत्रफल उसका 1145 था वर्तमान वाले का। अब देखो जो एकदम नया बन के तैयार हुआ है उसमें देख लो तो लगभग तिगुना हो गया है, 3015 मतलब 30-15, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल आप याद रखना, ठीक है। अब देखो इस राज्यसभा का क्षेत्रफल, देखो ये मैंने लोकसभा का बताया ऊपर, ठीक है ना। अब राज्यसभा का क्षेत्रफल 1232 था पुरानी जो वर्तमान वाली है, अब इस नई वाली का है वो क्षेत्रफल कितना हो गया, 3225 हो गया, कितना 3225, मतलब 1232 था, अब उल्टा कर दो 3225, ठीक है ना, ये नई वाली, ये अपन ने इसके बारे में क्या कर ली, डिस्कस कर ली, ठीक है ना। अब देखो इसमें इतनी लागत हुई है, जो अब नए वाले की चर्चा करते हैं, जो नया संसद भवन है वो त्रिकोणा आकार का है, और इसका डिजाइनकर्ता कौन है, तो मैंने आपको बताया था विमल पटेल है, ठीक है ना, विमल पटेल है, ठीक है ना। अब देखो विमल पटेल है, और इसका कौन था, तो एडविन लुटियंस था, ठीक है ना, वास्तुकार। अब देखो ऐसा क्या है, ये पूर्णतः सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से सुरक्षित है। अब देखो वो पुराना हो गया था, तो अब अगर उसका रिनोवेशन कराते तो क्या है, खर्चा तो वैसे भी लगता, तो पर उसमें कुछ असुविधाएं थी, अब इसमें क्या पूर्णतः पूरी डिजिटल हो जाएगी, पूरे ऑडियो वीडियो कैमरे पूरे सारी फैसिलिटी हो जाएगी, मतलब हर सीट पे कुछ ना कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अगर अब उसी को मॉडिफाई कराएंगे तो ज्यादा पैसे लगते, लेकिन वही है, पैसे तो लगते हैं लेकिन इसमें कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं होता, तो इसके लिए इसको क्या बना दिया गया, नया बना दिया गया। अब देखो प्लेटिनम स्टैंडर्ड ग्रीन बिल्डिंग, मतलब इसमें क्या होगा, जो
अब इतना सारा कुछ होगा तो इसमें विद्युत भी तो खर्च होगी ना, तो विद्युत खर्च है वो प्लेटिनम के तार वगैरह ये यूज किया गया, जिससे क्या हो विद्युत खर्च है वो कम किया जा। तो ये नए वाले और वर्तमान वाले के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखो अपन अपना 7:30 बजे अपन 7 बजे ये वीडियो अपलोड हुआ है ना, तो अब 7 बजे 7:15 तक आप देख रहे हो, तब तक अब देखो 7:30 बजे इस वक्त क्या होगा, हवन वाला पूजा वाला का क्या है प्रोग्राम होगा, ये मैंने आप नॉर्मली बता रहा हूँ 8:30 से 9 बजे के बीच में है लोकसभा के अंदर है वो आएंगे, फिर 9:30 बजे है वो प्रार्थना की जाएगी, फिर 12 बजे के आसपास है वो लोकार्पण किया जाएगा। तो इतना आपने को याद रखना है कि 12 बजे है वो इसका क्या किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। अब देखो बेहद ही खूबसूरत और प्यारी, ठीक है ना, ये देखिए नई लोकसभा जो यहां से उठाकर दे दिया, नई लोकसभा और नई राज्यसभा, ठीक है ना। अब देखो नई लोकसभा है ना, इसका याद रखना कि नई लोकसभा में राष्ट्रीय मोर की थीम लगी हुई है, ठीक है ना, राष्ट्रीय मोर की थीम पर बनी हुई है, राष्ट्रीय पक्षी है ना अपना मोर, मोर की थीम है ना उसके ऊपर बनी हुई है देखो, ठीक है ना। ये अब देखो ये राष्ट्रीय पुष्प कमल, कौन राष्ट्रीय पुष्प अपना कमल है, उसकी थीम पर बनी है क्या राज्यसभा, राज्यसभा पुष्प, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर क्या क्या बनी है लोकसभा बनी है, ठीक है ना। 28 मई को नव निर्मित संसद भवन का उद्घाटन के साथ देश के इतिहास में कई स्वर्णिम पन्ने जोड़े जाएंगे। तो ये पूरी कटिंग है वो आपको टेलीग्राम पर मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, दे दी है, लेकिन फिर भी आप पूरी पूरी जानकारी लेना ना, सेंटर के अगर एग्जाम है तो आपको देखने को मिलेगी, हालांकि ये स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं जाएंगे, चिंता मत करो आप। इसका उद्घाटन कई इतिहास के तौर पर हो जाएगा, अब जैसे भी उद्घाटन होगा तो नई नई अब इतिहास है वो रचे जाएंगे, लोकतंत्र लेगा अंग्राई दुनिया को दिखाएगा दिशा, नए संसद भवन को 28 मई को लोकार्पण किया जाएगा, मतलब आज ही लोकार्पण हो रहा है, 12 बजे हो जाएगा, तब से उससे पहले है आप इसकी पूरी है वो जानकारी ले लो, ठीक है, ये देख ली। अब देखो फटाफट आगे चलते हैं, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, अब और दिखाते हैं, ये मैंने आपको पूरा पूरा ये भी दिखा दिया। अब देखो एक अच्छी बात और है इसमें, ये देख लियो ये उसके अंदर की है देख लो, ठीक है ना, ये पुराना वाला है ये नई वाला है वर्तमान। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना खूबसूरत और शानदार ये जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं सिंगोल, क्या बोलते हैं सिंगोल, नाम देख लो यहां लिख देता हूं सिंगोल, ये सिंगोल क्या है प्रतीक है, जिसको क्या किया जाएगा, इससे उद्घाटन किया जाएगा, उसका समर्पित किया जाएगा। जब पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे ना, तब है वो अंतिम वायसराय कौन थे, माउंट बैटन थे ना, उन्होंने बोला कि आप प्रधानमंत्री बनोगे तो शपथ वगैरह कैसे लोगे, क्या है आप, क्या कुछ खास ऐसा कुछ खास करोगे, तो इन्होंने है वो चुप्पी साध ली, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा चारा नहीं था। फिर देखो जो ये सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी है ना, ये नेहरू को बताया एक ऐसी चीज जिसका नाम था सिंगोल, जो कौन यूज करते थे, जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत, ठीक है वो छोड़ो अपडेट हो गया, दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के द्वारा है राज्य अभिषेक के दौरान किया जाता था, मतलब दक्षिण भारत तमिलनाडु है ना, वहां पर है वो क्या होता था, चोल साम्राज्य था पहले, तो चोल साम्राज्य लोग है वो इस सिंगोल को क्या करते थे, यूज करते थे। ये आपको दिख रहा है सिंगोल, ये जो प्रतीक किसका है, शांति वेदता और संप्रभुता का है, शांति वेदता और संप्रभुता का क्या है प्रतीक है। ये क्या होता था, जब चोल साम्राज्य के लोग राज्य अभिषेक करते थे ना, तो उसके रूप में जैसे मुकुट पहनाया जाता ना, वैसे ये तलवार टाइप का था, ऐसे दिया जाता था, ये टोटल पूरा लंबाई है वो इसकी 5 फीट है, तो वैसे सिंगोल प्रतीक था। अब बाद में इसने सी राजगोपालाचार्य जी ने है, इन्होंने नेहरू जी को बताया इसके बारे में, तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है तो इसको तैयार करके लाओ, तो ये वहां रांची के और तमिलनाडु के वहां के जो आर्किटेक्चर है उनसे मिलकर है वो तैयार करके दिल्ली लेकर आए, और उसके बाद में है वो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, ये मैंने बता ही दिया, उसके बाद में ये विधान संसद भवन को क्या समर्पित कर दिया गया। अब इसमें देखो खास बात क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो साम्राज्य वाला, एक दूसरी बात देखो ये जो यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये यहां पर दिख रहा है वो आपको, ये नंदी महाराज है, बम बम बोले नंदी महाराज जी,
यहां पर नंदी महाराज है, नंदी जी है, और यहां पर ये तिरंगा है, ठीक है ना। यहां पर तिरंगा है इसकी पूरी, अब मतलब ये पूरा एक 5 फुट का है ना, तो ये 5 फुट की एक सिर्फ नॉर्मल आकृति नहीं है, इसके अंदर पूरे भारत की कला संस्कृति है ना, वो पूरी पूरी इसके अंदर समाई हुई है। तो अब पूरे भारत की जो कला संस्कृति समाई हुई है, तो इसको प्रतीक किसका दे दिया, संपूर्णता और एकता और बंधुता का क्या दे दिया, इसको प्रतीक दे दिया गया। अब यही नए संसद भवन से है, इसी से इनका क्या होगा, लोकार्पण होगा। तो ठीक है, ये याद रखना आप, सिंगोल का आप याद रखना, ये अच्छी चीज है, ठीक है ना। अब देख लो, ये मैंने अंदर से बता दी है, जो कौन सी है, राज्यसभा है, ये लोकसभा है, देख लो एक बार वापिस, ये 7 है, पूरी स्लाइड हो गई। आई होप ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे। देख लो, इसमें जितनी जानकारी मुझे लग रही थी वो मैंने आपको लिख दी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है ना। ये देख लो, पुरानी विधानसभा नई विधानसभा में क्या डिफरेंस है वो अपन ने देख लिया है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जितनी भी इस नई और पुरानी विधानसभा में डिफरेंस था वो अपन ने देख लिया, भी कौन इसके वास्तुकार है, कौन पुरानी वाली मतलब वर्तमान वाली के वास्तुकार थे, कब बनी थी, उसको कितना समय लगा था, इसको कितना समय लगा है, पूरी डिटेल अपन दे ली। लेकिन आप याद रखना, सिंगोल के बारे में जो संप्रभुता और बंधुता और एकता का प्रतीक है, जो चोल साम्राज्य के द्वारा यूज किया जाता था, दक्षिण भारत तमिलनाडु की ओर चोल साम्राज्य था, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते ना उनको पता होगा, ठीक है ना। तो ये आप एक बार देख लेना इस पूरे को, और घर बैठे है वो पूरी इस नए संसद भवन की जानकारी। आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दी और इससे देने में आपको खुशी हुई होगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इसका अगर आपका इसको वीडियो देखना है तो वीडियो आपको यूट्यूब पर खूब सारे मिल जाएंगे। मैं यहाँ वीडियो लगाया नहीं, क्योंकि क्या होता है कई बार कॉपीराइट का केस आ जाता है, तो मैंने ये फोटोज वगैरह कलेक्ट करके हैं वो लगा ली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, लेकिन शाम को 7 बजे वीकली करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूले, ठीक है। तो वापिस अपन शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।